हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाता है। अगर आप देखें तो कंप्यूटर हम अपने लाइफ में दो तरह का चलाते हैं, एक होता है डेस्कटॉप और एक होता है लैपटॉप। तो लैपटॉप को कैसे ऑन और ऑफ़ करते हैं पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। तो लैपटॉप को ऑन करने के लिए यहाँ पर होता है पावर बटन, इसका नाम है पावर बटन। कंप्यूटर को जिस बटन से हम ऑन करते हैं वो होता है पावर बटन। अब ये पावर बटन लैपटॉप में अलग अलग जगहों पे होता है, अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो टॉप में राइट साइड में है, ठीक। किसी किसी लैपटॉप में आपका सेंटर में होता है, किसी किसी लैपटॉप में आपका लेफ्ट साइड में होता है। और ये पावर बटन आपको यही नहीं, लैपटॉप के यहाँ राइट साइड में भी मिलेगा, यहाँ राइट साइड में मिलेगा और यहाँ भी राइट साइड में मिल सकता है। किसी किसी लैपटॉप में इसके पीछे भी पावर बटन होता है। तो जब भी लैपटॉप को ऑन करना हो, एक बार पावर बटन आप ध्यान से देख लें कि जो पावर बटन है हमारा कहाँ पे है। आप परेशान ना हो, मैंने जहाँ जहाँ बताया वहाँ से एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो ऐसा इंटरफेस दिखता है। थोड़ा सा इस इंटरफेस के बारे में हम समझते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑन, हाँ, तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन दिखता है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। इसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में ये जो पट्टी दिख रही है, डेस्कटॉप के नीचे जो एक चौड़ी पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। इसको टास्क बार क्यों बोलते हैं? जो भी वर्क हम करते हैं कंप्यूटर पे, जो भी काम करते हैं, सबसे पहले टास्क बार पे खुलता है। सबसे पहले वो यहाँ पे खुलता है। जैसे हम स्मार्ट कंप्यूटर का यहाँ पे फोल्डर अगर ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये यहाँ पे खुलेगा, यहाँ दिखाई देगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो टास्क बार पे यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। तो डेस्कटॉप के नीचे वाली पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पे दो एरिया होता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में जो चीज़ें होती हैं उसको पहले समझते हैं। राइट साइड में होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम होता है, यहाँ से हम करंट डेट और करंट टाइम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ये स्पीकर का है, यहाँ से हम कंप्यूटर के आवाज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे इसके आवाज़ को बढ़ाना है, घटाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, स्पीकर को ऑन करेंगे, यहाँ से आप आवाज़ को क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं आसानी से। तीसरा क्या, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन दिखाता है, शो करता है। आप जो भी इंटरनेट कनेक्शन इसमें कंप्यूटर में कनेक्ट कराएंगे वो यहाँ पे दिखेगा। कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे इंटरनेट का नाम शो करेगा, एक्सेस दिखेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा बैटरी का परसेंटेज, मतलब बैटरी आपका कितना चार्ज है लैपटॉप में, कितना घंटा चलेगा, क्या रिमेनिंग है, कितना परसेंट बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्ट बटन होता है। इस बटन को हम बोलते हैं स्टार्ट बटन या फिर विंडोज़ बटन। स्टार्ट बटन या विंडोज़ बटन बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से हमारे कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ें इस लिस्ट में मिलती हैं। जो भी एप्लीकेशन हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट बटन में आपको मिलती हैं, ठीक है। और जो डेस्कटॉप, ये सारे चीज़ें